तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मेरा नाम है विकास कुमार, आप विकास कुमार VKM चैनल को वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी खास और काफी इंटरेस्टिंग है, और ये वीडियो आपको फिल्म सिटी में भी नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है कि जैसे फिल्म सिटी में कुआं दिखाया जाता है, फिल्म सिटी में एक मंदिर दिखाया जाता है, उससे भी ज्यादा ये फेमस है कुआं। तो दोस्तों, ये कुआं राजस्थान के जयपुर के अंदर है, और इस एड्रेस को हम नहीं बताएंगे इस कुएं के एड्रेस को, क्योंकि ये जो जयपुर की रानी है उनकी जगह में है, और इस जगह पे वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है। मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाया था, वहाँ से परमिशन लेके वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, इस कुएं के बारे में आपको बता देते हैं। ये कुआं ऐसा है कि यहाँ पे अमरेश पुरी, संजय दत्त, धर्मेंद्र, सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार, दिग्गज एक्टर, बॉलीवुड के फेमस स्टार वहाँ पे मूवी शूट करके आए हैं। तो पहले हम बता देते हैं जो यहाँ पे इस कुएं पे फिल्म बनी है। सबसे पहले जीने नहीं दूंगा धर्मेंद्र जी की थी, और जय विक्रांता संजय दत्त और अमरीश पुरी जी उधर रहते हैं, वहाँ पे शूट हुआ है, कुएं पे ही शूट हुआ है वो फिल्म। जय विक्रांता कुछ सीन फिल्माएंगे, और गंगा की सौगंध अमिताभ बच्चन जी और तुमको ना भूल पाएंगे सलमान खान, ये यहाँ पे फिल्म शूट करके आए हैं। और राजपाल यादव, दिया मिर्जा भी उनके साथ में उधर ही, और बहुत सारे लोग कलाकार उस कुएं पे फिल्म शूट करके आए हैं। तो दोस्तों, उस कुएं का नजारा दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फटाफट फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम मिस्टर क्रिस्टो, वेलकम जशवंत, जशवंत माय फ्रेंड। हमारे इस दोस्त मिस्टर खोटे की वजह से तुम जेल से बाहर आए हो। तो दोस्तों, अभी हम उसी कुआं पे पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं कुएं का नज़ारा, और जब मूवी शूट हुई होती है यहाँ पे तो कुछ अलग नज़ारा रहता है। और अभी मानसून का सीज़न चल रहा है और बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो पेड़ पौधे तो उगेंगे ही। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है, और इस कुएं से सीन लिए जाते हैं फिल्मों से। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम जय विक्रांता के बारे में। तो अमरीश पुरी जी यहीं पर रहते हैं, और वो जो क्रिस्टो रहता है, स्क्रीन शॉट में मैच कर सकते हैं, जो क्रिस्टो रहता है अंग्रेज, वो यहीं पे मिलता है। तो कहते हैं, हेलो मिस्टर क्रिस्टो, हमने इन पुलिस वालों की मदद से, इस पुलिस वाले की मदद से आपको छुड़वाया। तो इस प्रकार का कुछ डायलॉग होता है, स्क्रीन शॉट में मैच कर सकते हैं दोस्तों। तो यहीं से जय विक्रांता फिल्म के सीन फिल्माए जाते हैं, इस कुएँ से, और इसमें अमरीश पुरी जी खड़े रहते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता देते हैं दूसरी फिल्म के बारे में, जो धर्मेंद्र जी की थी, जीने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे एक लड़की को जो विलन होता है, वो कह देता है इस रास्ते से आता है लेकर उनको, और यहाँ पे इस रास्ते से दोनों तरफ का नज़ारा दिखाई देता है, और उनको बोल देता है कि इसको इस कुएं में बांधो और उसको कोड़ों से मार लगाते हैं। तो स्क्रीन शॉट लगा दिया, मैच कर सकते हैं, इसी कुएं का सीन दिखाई देता है, आप मैच कर सकते हैं। तो जीने नहीं दूंगा की फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो विलन रहता है, वहां उस लड़की को आदेश देता है कि इसको कई कोड़े मारे जाएं, तो ऐसा कुछ बता देते हैं। तो इसी में उस लड़की को बांधते हैं और उसकी कोड़ों से पिटाई करते हैं। स्क्रीन शॉट लगा दिया, मैच कर सकते हैं,
और कोड़ों से पिटाई करते हैं, तभी धर्मेंद्र पाजी की एंट्री होती है, गोली मार के उनकी रस्सी काट देते हैं और यहाँ से छुड़ा ले जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का सीन रहता है जीने नहीं दूंगा फिल्म में। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं कुएं का उस तरफ का नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हो काफ़ी कटीले झाड़ हैं, दिक्कत भी हो रही है वीडियो शूट करने में और डर भी लग रहा है कहीं कुएं में कुछ हो ना, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा है और जंगल में है। देख सकते हो काफ़ी दोस्तों दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने में और यहाँ पे बहुत कटीले झाड़ हैं, बच बच के जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे तुमको ना भूल पाएंगे कि भी सीन लिए जाते हैं, दिया मिर्जा जी इसी कुएं पे बैठी रहती हैं और सलमान खान जी से कुछ बातें करा करती हैं। राजपाल यादव की भी एंट्री होती है, स्क्रीनशॉट लगा दिया आप देख लेना। तो ये आप होल देख रहे हैं ना, ये जो कुएं का, इसी पे बैठे रहते हैं राजपाल यादव जी। तो बताते हैं दिया मिर्जा के बारे में कुछ, तो तुमको ना भूल पाएंगे कि भी सीन यहीं से लिए जाते हैं। और देख सकते हो दोस्तों काफ़ी दिक्कत है और डर भी लग रहा है कि इस कुएं में कुछ हो ना। तो दोस्तों अभी मैं उधर से आ गया हूँ घूम के, क्योंकि वहाँ पर मुझे लग गए बहुत सारे कांटे और मैं इधर आ गया। तो दोस्तों गंगा की सौगंध की बात कर लेते हैं। तो इस कुएं का जब सीन आता है, जब रेखा जी अमिताभ बच्चन के पीछे आती हैं, दौड़ती बुलाती रहती हैं, कुछ ऐसा सीन रहता है, तब अमिताभ बच्चन जी गुस्से में जाया करते हैं। तो इस कुएं का सीन दिखाई देता है, वो काफ़ी दूर से दिखाई देता है, लेकिन तब पेड़ दूसरे टाइप के थे, अब दूसरे टाइप के हो चुके हैं। तो यहीं से वो सारे सीन फिल्माए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो इस कुएं का नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हो अभी जिस गांव में रुका हूं उस गांव का नज़ारा आपको दिखा रहा था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं, ये एड्रेस है जयपुर के अंदर है, रानी जो जयपुर की रानी है उनकी ये प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम एड्रेस शो नहीं कर सकते। बट आपको जयपुर में ये कुआं है और जब फिल्में शूट हुई रही थी तब तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड था, खुला है, पेड़ दिख रहे थे। अभी क्या है, जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो काफ़ी झाड़ वगैरह उगा है और मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई क्योंकि मुझे बहुत सारे वहाँ पे कांटे भी लग गए वीडियो शूट करते टाइम। तो आप देख सकते हैं और वीडियो लगा दूंगा कि कैसे कांटे लग गए थे, मैंने चुपके से वीडियो शूट किया वहाँ पे और डर लग रहा था कि कुएं में कोई जंगली जानवर भी तो नहीं, क्योंकि हो सकता है बड़ा कुआं है, काफ़ी दिनों से बंद है। तो इस वजह से डर की वजह से मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत दर्द हो रहा यार, चुभ रहे हैं यार वो कांटे। धर्म कांटा फिल्म बन गई इधर ही, जय विक्रांता। धर्म कांटा नहीं, कांटा फिल्म कांटा। कहाँ तक छूटे हैं यार भाई।